हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज की। देखिए, आप बीटेक कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हैं और आपने प्रोग्राम्स रन नहीं कराए, सवाल ये है, आप जितनी भी चाहे हायर क्वालिफिकेशन में चले जाइए, अगर आपने प्रोग्राम नहीं रन कराया है कंप्यूटर साइंस में, अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, अगर आपने प्रोग्राम नहीं रन कराया है, तो आपको दिक्कत ये आ सकती है। ठीक है, सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आप सोचते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आंसर इसका ठीक उल्टा होता है। तो चलिए वो चीज, वो टॉपिक समझते हैं एरे का, जो कि मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये मेन फंक्शन मैंने लिखा और यहाँ पर एंटर करके नीचे आते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल हम बनाते हैं, कैर टाइप का डेटा टाइप हम ले लेते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी नाम से। ठीक है, अब ये सी नाम से वेरिएबल बना लिया हमने। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, आपको पता है ये एरे की पहचान होती है। ठीक है, और चाहे आप पाइथन की बात करें, चाहे आप सी लैंग्वेज की बात करें, तो अभी हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर अगर खाली ब्रेसेस छोड़ दिया हमने और यहां पर इज इक्वल टू करके कुछ लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने सूरज, तो लिख दिया सर, सूरज सर लिख दिया। अब ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको टर्मिनेट कर दिया, एंटर करके नीचे आए। यहां पर लोग ये सोचते हैं कि ये एरे का जो ब्रेसेस है, यहां पर देखिए ये एरे में जो ये स्क्वायर ब्रेसेस जो लगाए हैं हमने, इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, कोई नंबर नहीं इनपुट किया कि एरे की साइज क्या होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो एरर आएगी, नहीं एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आप जरूरी है कि खूब प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट एप लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। लिखने के बाद यहाँ सी को प्रिंट करवाना है हमें, सी केवल आपको सी लिखना है, डबल इंटेड कोट्स लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डबल इंटेड कोट्स नहीं लगाना है आपको। इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो इसका आउटपुट सूरज सर आएगा, लेकिन यही अगर डबल इंटेड कोट्स, देखिए पहले इसको दिखा देता हूँ, इसको मैंने कंपाइल करवाया, अगर कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में तो ये सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाना चाहिए, हो भी गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाएंगे तो आउटपुट में सूरज सर आएगा, देखिए आ रहा है सूरज सर लिखा हुआ, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर देखिए डबल इंटेड कोट्स में लगा देता हूं, ये लगा दिया इधर, और इधर से ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम ओपन भी कर ले रहे हैं, तो देखिए ये ओपन भी कर लिया मैंने, और यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल पे जाके और इसको कंपाइल करवा लेते हैं। तो ये कंपाइल हो गया हमारा, कंपाइल होने के बाद अब इसको रन करवा लेते हैं, तो ये रन करवा लिया हमने। तो देखिए ना, आउटपुट में यहाँ पे सी प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि हमने डबल इंटेड कोट्स लगा दिया। तो ये देखिए यहां पर एरर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप डबल इंटेड कोट्स देंगे तो वही चीज प्रिंट होकर आ जाएगी जो कि आप प्रिंटर में लिखेंगे, और इन द केस ऑफ जबकि आप यहां पे डबल इंटेड कोट्स नहीं देंगे तो वो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी जो आपने एरे में दिया है। और ये भी बात क्लियर हो जाएगी, ये जो एरे है इसको आप खाली छोड़ देंगे, ब्रेसेस खाली छोड़ देंगे और वैल्यू यहां पर आगे लिख देंगे तो भी आपका एरर नहीं आएगा। तो ये बात क्लियर रखिएगा। ठीक है,